अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं फ़िश रेसिपी के साथ आई हूँ। जो फ़िश रेसिपी बहुत ही एमी और डिलीशियस बनती है, और ये फिश रेसिपी मेरे मेथड के हिसाब से है। फ़िश रेसिपी बनाना बहुत ईजी है और बहुत सारे मेथड्स हैं, और ये मेथड्स आप देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत कम तेल में फ्राई करके हम खा सकते हैं, और बहुत ही मसालेदार और एमी। तो यहाँ पर मैं 1 किलो फ़िश ली हूँ, और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ, अभी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर, और ये रहा ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये रहा कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, अरे थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और रेड चिली पाउडर अपने तीखेपन के हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लेमन जूस डालूँगी। मैं 1 लेमन जूस ली हूँ। ठीक है, 1 लेमन का जूस निकाल कर इस तरह डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकती हैं, कोई नहीं भी डाल सकती है, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर अब पूरे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर पीस के ऊपर इसका मसाला इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम इसको फ्राई करने के लिए 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में रखेंगे हम। ठीक है, वो ताकि अच्छे से सूख जाए, और पूरा जो मसाला है ना सूखते सूखते अंदर जज्ब हो जाएगा, बहुत ही यम्मी डिलीशियस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो 1 घंटा हो गया है फिश को मैरिनेट के लिए रख के। अब मैं यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ। देख सकते हैं आप इतना कम ऑयल में हम फ्राई करेंगे। अभी मैं उसको फिश को डाल रही हूँ एक एक करके, और इसको यहाँ इस तरह डालकर हम 3 मिनट पकाएंगे, और पलटा कर टर्न करके 2 मिनट बना लेंगे और निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो ढाम कर भी बना सकते हैं कि ऊपर से अच्छे से स्टीम होके ऊपर का भी जल्द से बन जाएगा, या नहीं तो आप खुला ही रख के बना सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। और यहाँ देखिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ, तो ये इस तरह से बन चुका है, और तमाम फिशेस इस तरह से टर्न कर ली हूँ। ठीक है, और जो भी जितने फिश बचे थे वो भी मैं इसी तरह फ्राई करती जाऊँगी जितने भी है। तो देख सकते हैं हमारी फ़िश बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए सेकेंड राउंड भी मैं डाल दी फ़िश, और ये पक रहे हैं, और मैं इसको भी थोड़ा सा पलटा कर मैं निकाल लूँगी। ठीक है।